देखिए, जब जब रामायण की और सीता मैया की बात होती है ना, तो एक छवि आज के जमाने में आंखों के सामने स्मरण हो जाती है, और वो है दीपिका चिकलिया की। जी हाँ, द ओरिजिनल सीता मैया। आज भी उनको देखकर ऐसा लगता है कि बस उनका नमन करके ना आशीर्वाद ले लो। तो चलिए, आशीर्वाद तो नहीं, पर उनका समय हम जरूर ले रहे हैं। क्या है कि बड़ा ही खूबसूरत इनका घर है, और बातें तो ये मनमोहक करती ही है। तो चलिए, इनके साथ एक डे आउट करते हैं। आप सब ने मुझे देखा है सीता की भूमिका में रामायण में, और आज आप मुझे देख रहे हैं एज दीपिका चिखलिया टोपी वाला। मानते हैं कि हमारे जो मुख्य दरवाज़ा होता है, घर का दरवाज़ा होता है, उसके बाहर अगर आप पानी छिड़कते हैं तो आपके पितरू आपसे खुश होते हैं, और क्योंकि मेरी मम्मी करती है, मैं करती हूँ। ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, जब बारिश होती है तो यहाँ पे मैं अपनी चाय लेकर बैठती हूँ। देखिए, ये सब यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, और ये छोटा सा जो प्लांट है ना, ये पाम है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये दिस इज़ माय फेवरेट। आई हैव दिस अ वेरी बिग प्रॉब्लम। कई लोगों के घर में चाय ऐसी ही वो लोग रख देते हैं टेबल पे या कांच पे, तो वो जो एक निशान बन जाता है ना, वो पानी का या चाय का, तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। मतलब कहीं पे भी मैं देखती हूँ तो मुझे ये बहुत खटकता है। जेड के गणपति हैं। जेड यानी कि एक सेमी प्रेशियस स्टोन होता है, तो मैं रोज़ उनकी पूजा करती हूँ। यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ हैं, जैसे ये लक्ष्मी जी है, ये मेरी सास ने मुझे दी हैं, ये जो स्फटिक है ये मुझे किसी गुरु जी ने दी हैं, तो मतलब ये भी हमारे यहाँ पे जो आए हैं वो टिबेट से हैं। इतने छोटे लगते हैं लेकिन एक्चुअली इनका वज़न ऑलमोस्ट 22-23 किलो है।
डाइनिंग एरिया, ये मेरी जगह है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि आई कैन नॉट ईट ओनली, अगर मैं कहीं और बैठ गई, अगर गेस्ट वेस्ट भी आते हैं तो आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि आई एम सॉरी बट ये मेरी जगह है। एंड ये दूसरी एक चीज़ है जो मुझे मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब खाना, एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं इसलिए वहाँ बैठना पसंद करती हूँ कि खाना खाते खाते मैं हनुमान जी को देखती रहूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंटिंग। सो ये है हमारा बैठने का। एंड कल परसों मेरी छोटी बेटी सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही थी, तो उसने हारमोनियम यहीं पर रखा हुआ है। और ये सरस्वती हैं, तो इसको कहीं मतलब नीचे नहीं रख सकते, इसलिए थोड़ा सा ऊंचा स्थान देके इस वक्त यहाँ पे रखा हुआ है। ड्यूरिंग रामायण मैं, इनफैक्ट रामायण के बाद मैं शूटिंग कर रही थी जयपुर। सो ये बहुत पुराना है, ये टूट भी चुका है, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था उस टाइम पे भी। एंड मैंने ऑफकोर्स शादी के बाद मम्मी को दे दिया था, तो मम्मी के घर पे ही था। फिर मम्मी ने कहा कि अब तो मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ, तो मैं फेंकने वाली हूँ। मैंने कहा प्लीज़ डोंट थ्रो, मुझे चाहिए। और फिर देखिए मैंने इसको ये आइडिया लगाया और और ये मैंने इसको छिपा दिया, बिकॉज आई हेट स्विचेस, मुझे बहुत गंदा लगता है। This is when I got married. ये मेरे reception की तस्वीर है, ये मेरे husband हैं और ये मैं हूँ। और ये हमारे 25th anniversary पे ये तस्वीर है। And ये मेरी daughter है और मेरे son-in-law है। मैं ज़्यादातर हमारे जितने भी स्टोरी सेशंस होते हैं, मेरी रीडिंग्स होती हैं, मेरे डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग्स होती हैं, जो भी होता है ज़्यादातर इस कमरे में मैं करती हूँ। सब अवार्ड्स हैं, मेरी मेड ने आज ही निकाला जब आप लोग आने वाले थे, तो ये बीच में रखा हुआ है। सो ये सब पहले के अवार्ड्स हैं। ये है मेरी साड़ियों का कलेक्शंस। ये है, ये थोड़ी जो हैवी होती है ये ऊपर रखी हुई हैं। फिर ये एक और अलमारी है, तो ये है। एंड आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नो, बट वो भी एक अलमारी है। एंड एक दूसरा मेरा कमरा है जहाँ पे बहुत, जैसे स्टोर एरिया होता है ना, वो पूरा पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने प्लास्टिक के डब्बों में मैंने साड़ियाँ रखी हुई है। मेरी छोटी डॉटर जूही इज़ हियर, ऑफिस जा रही है वो, लेकिन शी इज़ ऑन कैमरा। मुझे 2 साल अभी हो गया है काम करते, बट सीइंग उनका यू नो एट हर एज इतना पैशन, इतना कमिटमेंट टू वर्क, वेरी इंस्पायरिंग। एंड आई थिंक उससे उनको देख के आई एम वर्किंग लाइक डबल नाउ, कि मैं बोलती हूँ नहीं मैं ये भी करूँगी वो भी करूँगी, मेरा इंस्पिरेशन उनसे बढ़ता है। Uh,
थैंक गॉड खाना पक चुका है, सो इट इज क्वाइट क्लीन। देखिए आपको ये अनयूजुअल लगता होगा, ये मिट्टी के बर्तन, क्योंकि अभी हम लोग ने शुरू किया है। कुछ कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो मैं पसंद करती हूँ मिट्टी के बर्तन में बने। कैरेक्टर हैं सुमित्रा देवी का, वो बहुत राम जी को मानती हैं। ये कहानी अयोध्या की है जहाँ राम जी का जन्म हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे सभी लोग राम भक्त हैं और राम जी की प्रतिमा और उनके पिक्चर्स सब जगह आप देखेंगे। और कभी भी मैं अगर कोई संकट में हूँ तो मैं हमेशा ये मूर्ति के सामने खड़ी हो जाती हूँ और उनको कहती हूँ कि प्रभु राम मेरी आप रक्षा कीजिए और मेरे जो भी दुख दर्द हैं वो आप दूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि आप सब के भी जितने भी दुख हैं वो प्रभु राम ले लेंगे और आपको खूब सारी खुशियाँ देंगे। और बस इसी तरीके से हमारा भी कार्यक्रम देखते रहिए, सास बहु साजिश भी देखते रहिए। थैंक यू। ABP News आपको रखे आगे।